हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ड्रोन। तो ये जो ड्रोन है हमने xnords.com से ख़रीदा है और वहाँ से ये हमें ड्रोन प्राप्त हुआ है। वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको ड्रोन और दूसरी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रोन हमने वहाँ से परचेज़ किया है और देखते हैं इसे खोल कर कि हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो इस बैग के अंदर जो है हमें एक ड्रोन देखने को मिलता है। इसे हम ओपन कर लेते हैं और ये ड्रोन है हमारा इसके अंदर। तो ये एक छोटा मिनी ड्रोन है जो फोल्डेबल है और बहुत छोटा भी नहीं है, पर आमतौर से जो रेगुलर साइज़ आते हैं उससे ये थोड़ा छोटा है। तो हमें एक पाउच मिलता है इसके अंदर और इसमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो एक एक करके हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। और जो पहली चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है इसकी चार्जिंग केबल। इस चार्जिंग केबल से आप इस ड्रोन की बैटरी को अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलता है वो है ये इसके पॉपलर्स गार्ड। आप चाहे तो इन्हें लगा सकते हैं, चाहे तो इनके बिना भी फ्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार फ्लाई कर रहे हैं तो इन्हें लगा के फ्लाई करें। अगर आप पहले से फ्लाई करना जानते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इन्हें लगाएं। और अगर आप ड्रोन को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो भी इन्हें लगा सकते हैं। तो ये चार हैं जो हमें इसके साथ मिलती हैं। और एक दूसरी चीज़ जो हमें इसके साथ मिलती है वो है इसकी एक्स्ट्रा ब्लेड। तो ये एक्स्ट्रा ब्लेड होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर ब्लेड जब डैमेज हो जाती है तो ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाता, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए हमें मिलती भी नहीं है, तो इन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो हमें मिलता है वो है स्क्रू ड्राइवर। इसके साथ ही हमें मिलता है मैनुअल। तो ये जो मैनुअल है इसको आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आप ड्रोन कैसे फ्लाई करेगा। ये एक QR कोड जो है आपको देखने को मिलता है दूसरे मैनुअल में, और इसको आप स्कैन करके अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उस ऐप से इस ड्रोन के कैमरा को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है हमारा रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी और प्लास्टिक बड़ी अच्छी है। बटन्स भी बड़े स्मूथ जो है प्रेस हो रहे हैं और पीछे की तरफ इसमें डलते हैं सेल। तो ये जो है पूरा का पूरा स्लाइड हो जाता है पीछे की तरफ और इसमें तीन सेल डलते हैं। सेल इसके साथ आते नहीं है, ये हमने पहले से इसमें डाले थे और हमने इसको फ्लाई किया था, टेस्ट किया था, तो उस समय हमने इसमें डाल लिए थे। यहाँ पर आप अपना फ़ोन जो है माउंट कर सकते हैं और इसके कैमरा को उसमें देख सकते हैं। और अगली चीज़ जो है हमारा ये प्यारा सा ड्रोन है और काफ़ी अच्छा ये देखने में लगता है। आप देखिए छोटा कितना है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में जो है इतना छोटा है। सामने की तरफ आपको कैमरा देखने को मिलता है और ये FPV कैमरा है और सीधे आपके फ़ोन पर आ जाता है। और यहाँ पर आप देखें इसकी लैब खोलने के बाद ये जो है कुछ इस साइज का बन जाता है। और ये F190 ड्रोन है जो इसके आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है और चारों तरफ से आप इसे देख सकते हैं ये कितना बड़ा है। और यहाँ जो नीचे की तरफ है यहाँ कोई कैमरा नहीं है, कैमरा सिर्फ फ्रंट में है। वैसे भी नीचे का कैमरा कोई यूज़ नहीं करता है और वो ज़्यादातर यूजलेस ही रहता है। और आप ये देख सकते हैं बैटरी है इसकी, और ये बैटरी कितना बैकअप देगी ये तो हम फ्लाइंग के दौरान ही देखेंगे। फिलहाल आप इसको चार्ज कर सकते हैं इसकी चार्जिंग केबल के ज़रिए। इस कुछ इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कीजिए और बैटरी को चार्ज कर लीजिए। पहली बार जब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है बैटरी वाला, तो उसकी बैटरी को आप फर्स्ट टाइम में पहले पूरा चार्ज कर लें और उसके बाद ही ड्रोन या कोई भी चीज़ हो उसको फ्लाई कीजिए ताकि बैटरी जो है ठीक से चार्ज हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ये है इसका ऑन ऑफ का बटन और हमने ऑन कर दिया है। लाइटिंग आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट बैक और लेफ्ट राइट में इसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, दिन में भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। और ये जो है इसका मोटर है पंखड़ी, और आप देख सकते हैं कितना छोटा ये है और बहुत छोटा भी नहीं है, जितना ऐसे भी छोटे ड्रोन आते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा साइज़ है। फिलहाल हम इसको फ्लाई करने वाले हैं और हमने इसको 1 की टेक ऑफ के ज़रिए फ्लाई कर दिया है। आप देखिए ये जो है कितना बढ़िया तरीके से फ्लाई हो रहा है। और अभी मैं आपको बता दूँ इस मैदान पर जो है हवा चल रही है, तो इस ड्रोन को हमने हवा में फ्लाई किया है। और आमतौर पर इस जो आप जितनी यहाँ पर हवा है उसमें ड्रोन जो है ठीक से कंट्रोल नहीं होते हैं या हमें हाई स्पीड में फ्लाई करना पड़ता है। फिलहाल हमें इसको जो इसकी स्लो स्पीड है 30 पर रखा हुआ है। 3 स्पीड में ये फ्लाई हो सकता है, 30, 60 और 100। बहुत तेज़ जब हवा होती है, तूफान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तेज़ हवा होती है तो आप इसको 100 पर फ्लाई कर सकते हैं, तब ये अपनी पावर लगाता है और उसमें फ्लाई हो जाता है।
लेकिन आमतौर पर अगर आप इसको 30 पर फ्लाई करेंगे और हवा नॉर्मल होगी तो बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। और यहाँ पर हवा चल रही है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कंट्रोल इसमें है, ऊंचाई काफ़ी अच्छी है इसकी आपके चारों ओर, जो लगभग 50 मीटर तक ये फ्लाई हो जाता है और अच्छी तरह कंट्रोल में रहता है। और जो इसकी वीडियो ट्रांसमिशन है वो भी बड़ी स्मूथ आती रहती है। हाँ, ज़्यादा दूर जाने पर वीडियो ट्रांसमिशन जो है थोड़ी लैग कर सकती है। तो ये जो ड्रोन है इसकी बैटरी की बात करें तो इसको बैटरी को चार्ज होने में लगभग 1 से 1.25 घंटा लगता है, और एक बार चार्ज होने के बाद आपको ये 10 मिनट तक का बैकअप दे देता है। वो डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है कि आप जो है इसको किस मोड में फ्लाई करते हैं और आप इससे जो है 360 फ्लिप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैटरी जो है कंज्यूम कर लेती हैं, जिसमें 360 फ्लिप भी है। 360 फ्लिप करने के लिए बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। और नॉर्मली फ्लाई करेंगे 30 की स्पीड पर आराम से तो आपको ये 12 मिनट तक का बैकअप बहुत आसानी से इससे मिल जाता है। और ये जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल होता है। और अगर आपने पहले फ्लाई नहीं किया है और फर्स्ट टाइम भी फ्लाई कर रहे हैं ड्रोन को, तो आप इसे फ्लाई कर सकते हैं। बस ये गार्ड्स को लगा लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है ब्लेड्स जो है डैमेज हो जाती हैं, तो गार्ड लगा के इसको आप फ्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे घर के अंदर भी फ्लाई कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फर्स्ट टाइम जब आप फ्लाई कर रहे हैं तो बाहर ही फ्लाई कीजिए, खुले मैदान में, घर के अंदर या जहाँ पर जगह नहीं होती वहाँ फ्लाई मत कीजिए, क्योंकि ड्रोन के खोने का भी डर रहता है कि फर्स्ट टाइम में खो जाता है ड्रोन या डैमेज हो जाता है। तो कंट्रोल बहुत अच्छा है इस ड्रोन का, और स्पीड मोड में भी काफ़ी अच्छा जो है फ्लाई करता है। तो ये जो ड्रोन है हमने Exynos.com से ख़रीदा है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं ड्रोन अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में अवेलेबल हैं। और वहाँ से जो मैंने प्रोडक्ट मंगाए हैं अभी तक वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे मिलते हैं और टाइम पर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस उनकी रहती है। तो आप चाहें तो वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस पर वहाँ पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा है। तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है उसकी बात हमने आगे वीडियो में, आगे जो है इसकी वीडियो हमने लगाई है, वहाँ पर इसकी आप कैमरा क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो ये ड्रोन जो है कमाल का है। और मिलेंगे हम अगली वीडियो में, अगला कोई गैजेट लेके, ड्रोन लेके जो भी हमारे पास आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इसकी फ्लाई को पूरा देखिएगा, और आगे जो इसकी कैमरा क्वालिटी हमने लगाई है उसको भी देखिएगा, क्योंकि ड्रोन की कैमरा क्वालिटी जो है वो काफ़ी डिपेंड करती है कि ड्रोन लेना है नहीं लेना है। वैसे जिस प्राइस में ये मिल रहा है ना, उस प्राइस में इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है।